फ्रेंड्स, मैं उलेज और आप देख रहे हैं प्लांटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे परमानेंट फ्लावर प्लांटों के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे परमानेंट फ्लावर प्लांट बताने वाला हूँ और साथ में उसको किस तरीके से केयर की जाती है और साथ में आपको उसका होलसेल प्राइस भी बताऊँगा। और दोस्तों, कौन कौन से प्लांट हैं जिनको आप अपने घर में लगा सकते हैं, वो डेकोरेशन प्लांट भी हैं और परमानेंट प्लांट हैं। दोस्तों, आप उन्हें कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको आप इनडोर में भी रख सकते हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको आप आउटडोर में भी लग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वो कौन कौन से प्लांट हैं। दोस्तों, हम परमानेंट प्लांटों में बात करते हैं यूफोरिया मिली की। ये देखिए, इस पे फ्लावर्स की बात करें, काफ़ी अच्छा फ्लावर्स आता है। इसमें रेड कलर्स और पिंक कलर्स, काफ़ी कलर्स में आपको ये यूफोरिया मिली भी मिल जाएगी। और दोस्तों, अब हम बात करें इसको तैयार करना की, इसको आसानी के साथ आप तैयार भी कर सकते हैं। इसको आप कटिंग द्वारा कहीं से भी इसकी ब्रांच को कट करने के बाद किसी भी ब्रांच को आप किसी पॉट में लगा सकते हैं, ये आसानी के साथ तैयार भी हो जाता है दोस्तों। लेकिन आपको इसको बच्चों की पहुँच से बचा के रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत सारे नोकीले कांटे होते हैं जिनसे बच्चों को नुकसान हो सकता है। इसलिए वजह से आपको इस प्लांट को आपको बच्चों से बचा कर रखना है। और वैसे देखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है और ये डेकोरेशन प्लांटों में भी आता है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्दी प्लांट है। दोस्तों, अगर आप इस नर्सरी पर इसको परचेस करना चाहते हैं इतने बड़े हेल्दी प्लांट्स को, तो इसका जो होलसेल प्राइस है इस नर्सरी पर वो ओनली 25 रुपीज़ है। इसको आप ओनली 25 रुपीज़ में इस नर्सरी से परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, यूफोरिया मिली आपको छोटे पिलाली बैग भी इस नर्सरी पर मिल जाएगी। अलग मिल छोटे बैग में इन प्लांटों को यहां से परचेस करना चाहते हैं तो छोटे बैग में भी इन प्लांटों को यहां से परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरे परमानेंट प्लांट की ओर चलते हैं। और चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं परमानेंट प्लांटों में गोरी चोरी की। दोस्तों, गोरी चोरी भी आपको दो वैरायटी में देखने को मिलेगी। एक होती है ये येलो कलर की गोरी चोरी प्लांट्स, इसको गोरी चोरी बोलते हैं, और एक होती है टिकोमा कैपेंसी। दोस्तों, टिकोमा कैपेंसी जो प्लांट होता है और वो जो उस पर जो फ्लावर्स आता है वो रेड कलर का फ्लावर्स आता है, और जो ये देख सकते हैं ये टिकोमा गोरी चोरी के नाम से आती है, और इसका जो फ्लावर्स होता है ये येलो कलर का फ्लावर्स होता है। दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट्स है दोस्तों, इसको भी आप परमानेंट लगा सकते हैं। कहीं बात करें इसको तैयार करने की, इसको आप आसानी के साथ तैयार भी कर सकते हैं दोस्तों। इसको भी आप कटिंग द्वारा तैयार कर सकते हैं और इसको आप गोब द्वारा भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप सर्दी के मौसम में इसको तैयार करना चाहते हैं तो इसकी कटिंग लगानी होगी आपको। इसकी कटिंग यहाँ से किसी भी ब्रांच को यहाँ से कट करने के बाद, इतनी बड़ी आपको किसी भी ब्रांच को कट करने के बाद किसी भी पॉली बैग में आपको लगा देना है, ये आसानी के साथ तैयार हो जाता है दोस्तों। अगर आप इसको रेनिंग सीज़न में इसको तैयार करना चाहते हैं बरसात के मौसम में, तो इसकी गोब लगानी होगी आपको। यहाँ से इसकी गोब जो होती है दोस्तों, इतनी बड़ी गोब आप किसी भी पॉली बैग में लगा सकते हैं, ये आसानी के साथ इसकी भी ग्रोथ हो जाती है दोस्तों। अब मैं बात करूं इसको इस नर्सरी पे, अगर आप चाहते हैं इस नर्सरी पे इतने बड़े हेल्दी प्लांट को यहाँ से परचेस करना, तो इसका जो होलसेल प्राइस है वो ओनली 7 रुपीज़ है। इसको आप ओनली 7 रुपीज़ में इस नर्सरी से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे परमानेंट प्लांट अवेलेबल हैं। ये देखिए, गोरी चोरी के भी हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी प्लांट की रिक्वायरमेंट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आप दूसरे प्लांट्स की ओर चलते हैं। और चलिए दोस्तों, हम परमानेंट प्लांटों में बात करते हैं टहने की। दोस्तों, टहने भी आपको अलग अलग वैरायटी में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जो हमारे टहने की वैरायटी होती है, एक नीला टहना होता है जिसको सोल्वियाना भी बोलते हैं दोस्तों, एक पीला टहना होता है, एक रेड टहना और एक पिंक कलर का टहना होता है। दोस्तों, टहने की 4 से 5 वैरायटी आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये हमारे रेड कलर का टहने का प्लांट्स है दोस्तों, ये भी काफ़ी हेल्दी प्लांट्स है दोस्तों। अब हम बात करें इसको तैयार करने की, इसको आप आसानी के साथ तैयार भी कर सकते हैं दोस्तों। इसकी यहाँ से ब्रांच को कटिंग करने के बाद इसकी ब्रांच को यहाँ से कट करते हैं और किसी भी पॉली बैग में आप लगा सकते हैं, ये आसानी के साथ तैयार भी हो जाता है दोस्तों। अगर आप इतने बड़े हेल्दी प्लांट को इस नर्सरी पे परचेस करना चाहते हैं तो इसका जो होलसेल प्राइस है इस नर्सरी पे वो ओनली 7 रुपीज़ है। इसको भी आप ओनली 7 रुपीज़ में इस नर्सरी से परचेस कर सकते हैं दोस्तों। टहने की भी हमारे पास अलग अलग वैरायटी आपको इस नर्सरी पर मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी टहने की वैरायटी की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं परमानेंट प्लांटों में लैला मजनू की। देखिए दोस्तों, ये इसकी जो लीव्स होती हैं काफ़ी अच्छी और काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं। देखिए, इसमें दो कलर की लीव्स होती हैं, इसी वजह से इसको लैला मजनू के नाम से जाना जाता है। इसकी जो लीव्स होती हैं, इसमें नीचे की साइड में जो होती हैं इसकी लीव्स, ये डार्क रेड होती हैं, और ऊपर की साइड में जो होती हैं इसकी लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी ग्रीन टाइप की होती हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छा प्लांट है दोस्तों। इसको डेकोरेशन प्लांटों में भी इसका नाम आता है, परमानेंट प्लांट भी है और इसको डेकोरेशन
डेकोरेशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है दोस्तों। अगर आप इसको अपने घर पे तैयार करना चाहते हैं तो इसको आप आसानी के साथ तैयार भी कर सकते हैं दोस्तों। इसकी कटिंग लगाई जाती है, यहाँ से इसको कट करने के बाद किसी भी ब्रांच को आप किसी भी पॉली बैग में या किसी भी पॉट में इसको लगा सकते हैं। शेडी एरिया में इसको रखना है और ये भी आपको आसानी के साथ तैयार हो जाती है दोस्तों। ये भी हमारे पास काफ़ी लैला मजनू के प्लांट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी प्लांट की रिक्वायरमेंट है तो आप इन प्लांटों को यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं बात करूँ इतने बड़े हेल्दी प्लांट के प्राइस की, इस नर्सरी पे जो इसका प्राइस है वो ओनली 8 रुपीज़ है। इसको आप ओनली 8 रुपीज़ में इतने बड़े हेल्दी प्लांट्स को, लैला मजनू के प्लांट्स को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, हम परमानेंट प्लांटों में बात करते हैं चाइना अमरूद की। दोस्तों आपको अमरूद की भी काफ़ी वैरायटी देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। L49, VNR और बर्फ़खाना, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा चाइनीज़ अमरूद है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं, इस टाइम जो हम बात कर रहे हैं ये हम चाइना अमरूद की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये जो हमारे चाइना अमरूद के प्लांट्स होते हैं इसको हम आसानी के साथ तैयार भी कर सकते हैं। इसकी भी यहाँ से ब्रांच को कट करने के बाद आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, ये भी आसानी के साथ तैयार हो जाता है दोस्तों। अगर आप तैयार नहीं करना चाहते, अगर आप इन प्लांटों को यहाँ से परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका जो होलसेल प्राइस है इस नर्सरी पे वो ओनली 8 रुपीज़ है। इसको भी आप ओनली 8 रुपीज़ में इतना बड़ा हेल्दी प्लांट्स, इतना बड़ा हेल्दी प्लांट्स यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये 6x6 के पॉली बैग में हमारे पास प्लांट्स अवेलेबल हैं और ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट्स है दोस्तों। इस पर जो आप दोस्तों हम बात करें इसके अमरूद की, इस पर जो अमरूद आते हैं वो स्मॉल साइज़ के अमरूद आते हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं दोस्तों। ये डेकोरेशन का भी काम करता है और ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट्स है दोस्तों। ये भी हमारे पास काफ़ी अमरूद की प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इन प्लांटों को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम दूसरे प्लांट्स की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हम परमानेंट प्लांटों में बात करते हैं सिंगल चांदनी की। दोस्तों जो चांदनी की वैरायटी होती है ये दो से तीन वैरायटी में आपको देखने को मिलेगी। एक जो होती है ये सिंगल चांदनी होती है, एक डबल चांदनी होती है और एक वेरिकेटेड चांदनी होती है और एक जो होती है ड्वार्फ चांदनी होती है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे सिंगल चांदनी का प्लांट है जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स है दोस्तों। इसके फ्लावर्स की बात करें, इस पर जो फ्लावर्स आता है वो वाइट कलर का फ्लावर्स आता है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। ये देखिए इस पर छोटी छोटी बड्स आ रही हैं, इस पर फ्लावर्स शुरू हो गए हैं बनने और ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ चल रही है इसकी भी। ये देखिए इतने बड़े हेल्दी प्लांट्स को आप इस नर्सरी पे परचेस करना चाहते हैं, इसका जो होलसेल प्राइस है वो ओनली 7 रुपीज़ है। इसको आप ओनली 7 रुपीज़ में इस नर्सरी से परचेस कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करें इसको तैयार करने की, इसको आप आसानी के साथ तैयार भी कर सकते हैं दोस्तों। इसको कटिंग द्वारा तैयार किया जाता है। आपको आप इसको विंटर के सीज़न में जो सर्दी का मौसम होता है उसमें इसकी कटिंग लगाई जाती है। इसको आप आसानी के साथ कटिंग के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसकी कटिंग आप यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं, इसकी ब्रांच को 8 से 9 इंच की ब्रांच इसकी काट करके आप किसी भी पॉली बैग में या सीमेंट बैग में आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की ब्रांच को इसको कट करना है और किसी भी पॉली बैग में आप लगा सकते हैं। ये आसानी के साथ तैयार भी हो जाता है। जबकि काफ़ी प्लांट्स हमारे पास सिंगल चांदनी के भी अवेलेबल हैं और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स हैं दोस्तों। हमारे पास सभी वैरायटी चांदनी की भी मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी प्लांट की रिक्वायरमेंट है तो आप इन प्लांटों को यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, हम जैसे हमने बताया था आपको, हमारे पास छोटे प्लांट्स भी चंपा के अवेलेबल हैं। इस तरीके के 6x6 के पॉली बैग में भी इस नर्सरी पे आप परचेस कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छे और हेल्दी प्लांट्स चंपा के अवेलेबल हैं। ये देखिए इसका जो इस नर्सरी पे प्राइस है वो ओनली 10 रुपीज़ है। इसको आप 10 रुपीज़ में इस नर्सरी से परचेस कर सकते हैं जो बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस पर इन प्लांटों को दिया जा रहा है। और चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शर्प प्लांटों में एनर्वी की। दोस्तों इसकी काफ़ी अच्छी हेज बनाई जाती है जो पार्क में काफ़ी अच्छी लगती है दोस्तों। इसके छोटे पॉली बैग में भी हमारे पास एनर्वी के प्लांट्स अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहते हैं बड़े पॉली बैग में इन प्लांटों को परचेस करना तो बड़े पॉली बैग में भी हमारे पास प्लांट्स अवेलेबल हैं। बड़े पॉली बैग में भी इन प्लांटों को यहाँ से परचेस कर सकते हैं दोस्तों। इतने छोटे पॉली बैग का जो इस नर्सरी पर प्राइस है वो ओनली 1.70 रुपये में ये आपको इस नर्सरी पर मिल जाएगा, जो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। और आप चाहते हैं इन प्लांटों को यहाँ से परचेस करना तो परचेस भी कर सकते हैं। काफ़ी प्लांट्स हमारे पास एनर्बी के भी अवेलेबल हैं। ये देखिए काफ़ी और हेल्दी प्लांट्स हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं दोस्तों। अब इनको इन प्लांटों को अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो ये आसानी के साथ तैयार भी हो जाते हैं। इसको यहाँ से कटिंग करने के बाद इसकी कटिंग लगाई जाती है। इसको यहाँ से कट करना है और किसी भी पॉली बैग में आप लगा देंगे तो काफ़ी अच्छे से ये प्लांट्स तैयार हो जाएंगे दोस्तों।
और चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस हैबिकस की। इसका जो नाम है वो अलीपुर बूटी के नाम से जाना जाता है। ये अलीपुर बूटी गुलहड़ के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है हैबिकस की दोस्तों। ये परमानेंट प्लांट है, इसको आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, चाहे वो सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, किसी भी मौसम में इसकी ग्रोथ हो जाती है। ये सभी मौसम में अच्छे से ग्रोथ करता है। और जैसे आप देख सकते हैं, ये इस टाइम सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ अब भी रुकी नहीं है, इसकी अब भी ग्रोथ चल रही है। ये देखिए, इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं और काफ़ी बड़े फ्लावर्स आते हैं दोस्तों। इसको तैयार करने की, इसको किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों, इसको आप गोब द्वारा भी तैयार कर सकते हैं और इसको कटिंग द्वारा भी आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसको पॉली हाउस में आप लगा सकते हैं। पॉली हाउस में अगर आपने यहाँ से इसकी ब्रांच को कट करने के बाद अपने पॉली हाउस में लगा दिया, तो आपकी ब्रांचें अच्छे से ग्रोथ कर जाएंगी, आपकी कटिंग जो है सारी अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।